नहीं तो आप लोग कैसे हो? मैं आशा करती हूँ आप लोग भी अच्छे होंगे। और मेरे ब्लॉग मैं अभी से स्टार्ट कर रही हूँ, और इधर मेरी बेटी सो रही है। तो अभी शाम के लिए शाम हो गई है, 4:30 यानी 4:30 यानी 5 हो गया होगा। तो अभी थोड़ा सा चाय पीने चलते हैं। विंटर के दिन चाय नहीं पीते हो तो अच्छा नहीं लगता है, तो चाय पीते हैं। चाय पीने के बाद आप लोगों के साथ फिर से मिलते हैं। चलिए, तो मैं आज मार्केट गई थी, तो घर का हालत बहुत ही बुरा है। यहाँ पे मैं मार्केट से सब्जी लाई थी वो, और ये गैस के ऊपर ऊपर पूरा सारा सामान फैला हुआ है। वो सब अभी क्लीन कर लेते हैं, उसके बाद आप लोगों के साथ मिलूँगी और चाय भी बनाऊँगी। तो चले, मेरा पूरा काम ख़त्म होने के बाद मैं अभी यहाँ पे थोड़ा सा पहले से ही नमक डाल दिया हूँ। तो आटा गूंदना है रात के लिए, तो आटा गूंद के रखना है। तो चलिए आटा डालती हूँ मैं अभी इसमें। यहाँ पे मैं पूरा अच्छे से डो को मिक्स करने के बाद ये ढक्कन से ढक के रखा था। तो ये डो ऑलरेडी बन चुकी है, तो मैं इसको ऐसे ही रखूँगी और 10-15 मिनट के। बेसिन को मैं पूरा साबुन से क्लीन कर चुकी हूँ। अभी साइड से पानी डाल रही हूँ, पूरा चारों तरफ पूरा अच्छे से क्लीन हो जाए। और यहाँ पे जो डस्टबिन था मैं बाहर रख दिया हूँ, तो वो अभी कचरा फेंकने के लिए जा रही हूँ। अभी तो उधर कोई भी नहीं है, तो इसलिए इधर जेसिका भी सो रही है। तो ये ढक्कन को मैं नीचे रख दिया हूँ, और इसको थोड़ा सा अच्छे से क्लीन करके, पूरा डीप क्लीन करके मैं चाय बिठा दूँगी। और जितना हो सके मैं ऐसे ही रहती हूँ क्लीन करके, क्योंकि घर में भी बच्ची है और देखने भी अच्छा नहीं लगता है। और हमारे घर का एंट्री तो किचन से ही होता है, हम लोग जैसे बनाया है वो घर। तो चलिए, अभी गैस भी क्लीन हो चुकी है, अभी चाय पीते हैं। नींबू मार्केट से लेके आई थी, ये रखना है यहाँ पर। यहाँ पे भी बहुत सारा है जो मैं नहीं खाती हूँ। यहाँ पे थोड़ा थोड़ा क्या रह गया है, चॉकलेट, चिकन का पीस। बर्तन धोना और भी है, थोड़ा सा संदेश खा लिया हूँ ये। और ये वाला डन, ये वाला डन, का बर्तन इतना ही। और मैं बिल्कुल भी नहीं धोऊंगी। यहाँ पे ये नींबू ऐसे ही रख देते हैं हर कोई खाने के बाद, मुझे ही करना पड़ता है। यहाँ पे ये सब्जी सब कुछ सेट करना है सब्जी। तो चलिए, पता नहीं ये लड़की बड़ा होके क्या बनेगी। जब मैं पढ़ाई पे बिठाता हूँ तो उसको ये सब वो सब याद आ जाते हैं। चलिए देखते हैं अभी क्या लिख रही है। ये देखो, ये क्या बना रही है, ये उसने लिखा है। सारा सब मुझे मार मार के लिखाना पड़ता है, और मैं यहाँ पे बैठ के अभी उसको राइम सिखा रही थी, बट वो लड़की का ध्यान कुछ और है।
लड़की को मैंने ये ला के दिया था, तो उसको अभी यही पहन के पढ़ाई करना है ना। ठीक से बताओ, इधर देखो शिवांगी, ठीक से राइम्स बोलो। उसके बाद इधर देखो, बोलो राइम्स बोलो। उसके बाद वन बोलो, बोलो ठीक से बताओ, वन फॉर माई मास्टर। चाय पीने के बाद डायरेक्ट जेसिका को पढ़ाने चले गई, इसीलिए मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा देर हो रही थी और एग्ज़ाम भी तो सामने है इसीलिए। और ये लड़की ना मेरी बात बिल्कुल भी नहीं सुनती है, तो इसीलिए मैं थोड़ा थोड़ा क्लिप आप लोगों को डाल के दिखा रही हूँ, आप लोग बुरा मत मानना। तो मैं आज मार्केट से पोर्क लेके आई थी, उसका भरता बनाऊंगी। तो मैंने पहले से वॉश करके रखा था, अभी जस्ट पानी डाल के थोड़ा सा बॉयल करूँगी अच्छे से। और पोर्क को जितना अच्छे से बॉयल करें इतना ही अच्छा है हेल्थ के लिए भी, और खाने भी टेस्ट बनता है। तो हमें कम से कम आधा घंटा तो मैं इसको बॉयल करने के लिए रख देती हूँ। तो चलिए इसको ऐसे ही छोड़ देते, इसमें जब बावल्स आएगा तो ऊपर से वो पानी को मतलब ढाल जैसे बनाते हैं हम लोग, ऐसे वो उसका जो बावल छान के जैसा आता है वो फेंकना पड़ता है। और इधर देखिए मेरे वाल की हालत, मैं सब क्लीन करूँगी, आप लोग इसको मत देखना, मैं समझ पा रही हूँ बहुत ज़्यादा गंदी दिखाई दे रही है। यहाँ पे मैं तो दे यहाँ पे चुकी थोड़ा हूँ थोड़ा उबाल के आ नमक रही है, मैं और हल्दी नमक पाउडर, और और थोड़ा इधर सा मेरी हल्दी बेटी को भी पाउडर पढ़ा डाल रही रही हूँ हूँ। यहाँ पे ऐसे बुक्स रख चलिए के, तो क्योंकि ऐसे एग्जाम करके आ ये गई है, लड़की को मुझे मैं कुछ पढ़ा समझ रही भी नहीं थी, आ रही है, मैं इसको क्या फील भी करूँ और दिला ना रही करूँ, बिल्कुल और भी नहीं है, इसीलिए और मैं एग्जाम ऐसे ही कर सामने रही है हूँ। इसके, इससे भी और ज़्यादा मेरे दिमाग में यहाँ पे दर्द हो अभी रहा है, क्योंकि मैं वो जो ज़्यादा जितना ज़्यादा बच्ची को दे प्रेशर देती करती हूँ, हो ना, क्योंकि मुझे आज तक इसको समझ में आ रही पोर्क है का उतना भरता ही बनाने के लिए यही भूल मास्ट है, जाती है। बहुत तो सारा इसीलिए चीज़ यहाँ दे पे चुकी मैं हूँ। अभी पोर्क के अच्छा, लिए जो यहाँ पे चिली दूध फ्लेक्स उबाल रही हूँ जेसिका के लिए, और इधर पोर्क, और यहाँ उसका पे दूसरा ओवन ये पे मैं यहाँ पे बिठा थी दी हूँ, पहले, मैंने और यहाँ पे यहाँ ट्रांसफ़र पे कर दिया जेसिका के हूँ लिए दूध, क्योंकि मुझे तीनों ओवन का ज़रूरी है, इसीलिए यहाँ पे वो बबल्स आ रही है आप लोग देख पा रहे हो, ये उबालने ऐसे ही मैं देते। बनाती हूँ। और ये लड़की अभी यहाँ पे आ चुकी है, इसको अभी यहाँ पे पड़ा रही हूँ ऐसे करके, इसका काम हो गया है। मिर्ची को अभी मैं भून लिया हूँ अच्छे से, तो इसको अभी गैस में बंद कर दूंगी, तो इसको पूरा लो फ्लेम में मैं पकने के लिए दे दूंगी 30 मिनट्स के लिए, ऐसे ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो अभी ये रोटी को मैं बेल लेते, चलिए आप लोगों को भी दिखाती हूँ। Thank you.
यहाँ पे बन रहे पपाया और आलू की सब्जी जल्दी से बना लूँगी। 10 बज चुकी है रात की और जेसिका को भी खाना खिलाना पड़ेगा। चलिए जेसिका को खाना खिला के और अभी हम लोग सोने जा रही हूँ। 12:30 टाइम हो चुके, पूरा 1.5 घंटा लगा दिया है वो खाने में। तो कल सुबह आप लोगों के साथ फिर से मिलती हूँ। आज के लिए गुड नाइट। अम्मा मुझे जीप खाता है ग्रीन कलर की। ठीक है तो मुझे यूनिफॉर्म खोलो। और ये है घर का हालत फिलहाल। मैं नहा चुकी हूँ और अभी पूरा क्लीन करना है बिस्तर और ये सब। तो चलिए मैं आप लोगों के साथ बाद में मिलती हूँ। स्कूल से आने के बाद आज हम लोग जा रही हूँ रिसेप्शन पार्टी में। तो पटरपट से मुझे पूरा घर को क्लीन भी करना पड़ा, रेडी भी होना पड़ा। तो इतना अच्छे से मैं रेडी नहीं हो पाई और बहुत दूर का भी रास्ता है। यहाँ से शायद 60 किलोमीटर से भी ज़्यादा होगा मेरे ख्याल से। तो चलिए चलती हूँ। और अभी हम लोग पहुँच चुके हैं मानू बाज़ार में और चलिए अंदर तक। अभी हम लोग पहुँच गए हूँ यहाँ पे, तो चलिए अंदर। और यहाँ पे आने के बाद डेकोरेशन फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे बहुत ही अच्छा लगा और हमारे ऐसे पहचान वाली है। और जेसिका जा रही है यहाँ पे उसको दादू के हाथ पकड़ के। शायद ये मेमोरीज बाद में भी रहेगा मेरी यूट्यूब पर। शायद उन लोग तो यहाँ से चला जाएगा बाद में, तो ये सब देख के मिस करेंगे। अभी से ही पता है उन लोग कुछ साल के बाद चले जाएंगे उनकी गांव की तरफ। तो अभी तो यहाँ पे जॉब कर रही है, तो ये सब सोरो अभी हम लोग शादी में आए तो उसका बात करेंगे अभी। तो आप लोग देख सकते हो कितना अच्छे से सजाया है। तो चलिए अंदर जाके अब सबको शायद पॉसिबल होगा तो मैं अच्छे से दिखाऊंगी आप सबको। तो चलिए अंदर जाते जाते यहाँ पे ब्राइट और ग्रूम बैठा हुआ है। तो देख पा रहे हो कितना अच्छे से उन लोग सिंपल से मेकअप किया है। मुझे पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। हम लोग आ चुकी हूँ ब्राइट और ग्रूम के साथ मिलके और खाना भी खा चुकी हूँ। और मौसी और दूसरा मौसी भी यहाँ पे ही खड़ा है अभी भी। तो पान खाने के लिए आई हूँ और जेसिका क्या कर रही है देखिए। वहाँ से घर की तरफ निकल गए और बहुत ही अच्छा लगा उनकी वहाँ पे जाके।
अगर मेरी वीडियो को अच्छा लगे तो प्लीज़ डू लाइक कमेंट सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करना फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। आज के लिए मेरी वीडियो इतना ही, सब अच्छे रहना, बाय।